अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चाइनीज़ स्टाइल पास्ता बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें ऑयल डाल दिया, इसमें प्याज और टमाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। टमाटर और प्याज को सॉफ्ट होने देंगे, इसके साथ साथ आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने एक साथ अच्छे तरीके से भून लेना है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से अदरक लहसुन की खुशबू आने शुरू हो चुकी है, टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च और आलू। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और वेजिटेबल पसंद हो तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये दो वेजिटेबल ऐड की हैं, शिमला मिर्च और आलू। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से मैंने आलू को फ्राई कर दिया, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे, काली मिर्चें, हसबे जायका नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये चार चीज़ें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें वाइट विनेगर ऐड करेंगे 2 चम्मच, सोया सॉस आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है 2 चम्मच, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और आलू को आप लोगों ने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से गल ना जाए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और आलू को अच्छी तरह से गला लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आलू माशाल्लाह से हमारे गल चुके हैं, मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। ये देखें, मैंने आप लोगों को तोड़ के भी दिखा दिया, पास्ते को मैंने बॉयल करके रख लिया था, आप लोग देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको बॉयल किया। ऐसे आप लोगों ने इसके ऊपर सारा पास्ता डाल देना है, अच्छी तरह से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग जैसे कि मैं आप लोगों को कहती हूँ बहुत अच्छी किया करें, क्योंकि मिक्सिंग पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की चीज़ कैसे तैयार होगी। तो अच्छी तरह से मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। इसके साथ साथ इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर हरा धनिया डाल दिया। मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे दम पे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से चाइनीज़ स्टाइल पास्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक नए अंदाज में। आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। तो मैं इसको एक प्लेट में निकालती हूँ और माशाल्लाह से आप लोग देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। फाइनल लुक आ चुकी है, हमारा चाइनीज़ स्टाइल पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।